मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र के पहले दिन गोरखपुर महानगर को 233 करोड़ से अधिक विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी है। इस दौरान उनके समक्ष नगर निगम और एनटीपीसी के बीच कूड़े से चारकोल बनाने के प्लांट की स्थापना के लिए एमओयू भी हुआ है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नगरीय विकास आज की आवश्यकता है। भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए नगरीय विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इससे लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ तो मिलेगा ही, बड़े पैमाने पर रोजगार भी सृजन किए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को साकार करने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका है। गोरखपुर नगर निगम ने एनटीपीसी के सहयोग से इस दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। एनटीपीसी की तरफ से प्लांट लग जाने के बाद नगर निकायों का कूड़ा चारकोल के रूप में बिजली उत्पादन का साधन बनेगा। नगरीय विकास ये आज की आवश्यकता है। अगर भारत को दुनिया के अंदर एक इकोनॉमिक पावर बनना है, एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करना है, उसमें से नगरीय विकास एक महत्वपूर्ण पक्ष है। रोजगार सृजन की संभावनाएं भी बढ़ती हैं और विकास के माध्यम से प्रत्येक नागरिक तक शासन की योजनाओं का लाभ भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ये रोजगार और स्वावलंबन के आधार भी बन सकती है, लेकिन नगरीय क्षेत्र में अनियोजित और अवैज्ञानिक विकास की सोच ने वहां पर एक नई समस्या खड़ी कर दी थी। गंदगी के ढेर, आप किसी भी बड़े महानगर में आप चले जाइए, सबसे पहले आपके दर्शन होते थे एक बड़े से ढेर पर, एक बड़ी सी पहाड़ी पर, वह कूड़े का पहाड़ हुआ करता था।